नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कक्षा 8वीं की विषय संस्कृत की माह फरवरी की वर्कशीट 2020-21 ठीक है, फरवरी की वर्कशीट 2020-21 का संपूर्ण हल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट है वो टोटल 50 नंबर की है। मैं आपको वर्कशीट का पूरा हल कराने जा रहा हूँ जिससे कि आपको 50/50 नंबर मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, साथ ही दोस्तों मैं जो आपको आंसर दिखाऊंगा दोस्तों उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाना। और इस वीडियो क्वालिटी को दोस्तों आप 360 पिक्सल पर कर लेना, अच्छी क्वालिटी में देखना ताकि आपको अक्षर साफ साफ दिख सके। चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है दोस्तों पहले में आप प्रश्न है खंड आ का स्वामी विवेकानंद इति पाठ आधारेण प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपका जो पाठ है स्वामी विवेकानंद उसके पाठ के आधार पर दोस्तों आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, अच्छी क्वालिटी में दोस्तों वीडियो करेगा। हाँ, पहला प्रश्न है दोस्तों स्वामी विवेकानंद बालक से नाम है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको स्वामी विवेकानंद का जो उनके बचपन का नाम था, बालकस्य नाम था, वह आपको बताना। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ था। तो दोस्तों उसका उत्तर क्या आएगा, नरेंद्रनाथ था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों स्वामी विवेकानंद से ध्येय वाक्यम, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य क्या था। तो दोस्तों उसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद से ध्येय वाक्यम उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वर्णनाति बोधत, अर्थात उठो जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों से ज्ञान की प्राप्ति करो, है ना। दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है और कॉपी में लिखते जाना है उत्तर में। देखो दोस्तों तीसरा नाम, तीसरा प्रश्न क्या है, नरेंद्रनाथ कासु विद्यासु पारंगत आसित। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, मतलब कि नरेंद्रनाथ किसकी विद्या के, किसकी विद्या में पारंगत थे, पारंगत यानी दोस्तों माहिर होना। तो दोस्तों इसका उत्तर है नरेंद्रनाथ बाल्य कालादेव संस्कृतनुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादुषु क्रीडासु पारंगत आसित। नरेंद्रनाथ संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में मतलब कि इंटरेस्ट लेने वाले, ठीक है, और तेज बुद्धि वाले, ठीक है, जल्दी से ज्ञान प्राप्त करने वाले और खेल में पारंगत थे। इसका उत्तर दोस्तों ये होगा, स्क्रीनशॉट लेते आना दोस्तों आपको। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या दोस्तों, कस्मिन सम्मेले कस्मिन नगरे च स्वामी विवेकानंद भारत से प्रतिनिधि अभवत, कौन से सम्मेलन में, कौन से नगर में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन च स्वामी विवेकानंद भारत से प्रतिनिधि अभवत, अर्थात शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले प्रश्न का। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों प्रश्न एक के ही अंतर्गत बा क्वेश्चन है, ठीक है, कालज्ञो बारह मीरा पाठ आधारण वाक्यानि पूरयत, है ना। आपको जो पाठ है कालज्ञो बारह मीरा, इस पाठ के आधार पर आपको नीचे खाली स्थान दिए गए, इन खाली स्थानों में आपको खाली स्थानों को पूर्ति करना है। तो देखिए दोस्तों पहला खालिस्तान क्या है, बरहा मीरा देशज्ञः खालिस्तान। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, विज्ञानिश्च आसित, है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। दूसरा है खालिस्तान कालज्ञः आसित, मतलब कि खगोल कालज्ञ आने हो तो दोस्तों खगोल शास्त्री, तो खगोल शास्त्री थे। तो खगोल शास्त्री कौन थे दोस्तों, बरहा मीर थे। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, बरहा मीरा। तीसरा दोस्तों बरहा मीरे खालिस्तान ग्रंथः विरचितः, बरामीरण ने खालिस्तान ग्रंथ को रचा था। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, बृहत संहिता बृहज्जत कंपचन। दोस्तों आपको इसका उत्तर ये लिखना है, मतलब कि बरामीरण ने बृहत संहिता बृहज्जत पंचवटिका ग्रंथ की रचना की थी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रस प्रकाशः खालिस्तान, ठीक है, चंद्रस प्रकाशः खालिस्तान। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, सूर्यकः नास्ति, अर्थात चंद्र का प्रकाश स्वयं का नहीं होता है, है ना। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पोस्ट करते अब की करके अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अब दोस्तों हम प्रश्न दो देखते हैं, अधोलिखितेषु गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे एक गद्यांश दिया है, अंकेश पुनः पुनः से लेकर आसित तक, इसको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो दोस्तों हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है उज्जैनिया अपरम नाम किम आसीत, मतलब कि जो उज्जैन है उसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों उसका उत्तर है उज्जैनिया अपरम नाम अवंतिका आसीत, उज्जैन का दूसरा नाम अवंतिका है। दूसरा दोस्तों शेस्त्र जुना कस्य देशस्य निरपः आसीत, निरपः का अर्थ होता है दोस्तों राजा, है ना। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है, शेस्त्रजुन किस देश का राजा था। तो दोस्तों इसका उत्तर है शेस्त्रजुन अनुपदेशस्य निरपः आसीत, शेस्त्रजुन अनुपदेश का राजा था। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों राज्ञा महिष्मती निर्मिता का, रानी महिष्मिता ने क्या किसका निर्माण किया। तो दोस्तों इसका उत्तर है राज्ञा महिष्मिता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगर मेव अस्ति, है ना, आधुनिक महेश्वर नगर मेव का उसने निर्माण किया। चौदह क्वेश्चन दोस्तों स्मृतु पद कहाँ लकार रहा, स्मृतु पद में कौन सी लकार है। तो दोस्तों इसका उत्तर है स्मृतु पद में कौन सी लकार है दोस्तों, लोट लकार होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, लोट लकार रहा। इस प्रकार दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और अपनी कॉपी में लिखते जाना। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशम पठितवा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, नीचे आपको दोस्तों एक पद्यांश देगा है मातक गुरुतुला से लेकर त्रिनाथ तक, इसको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न है भूमे गुरुतुरा का, ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा माता। दूसरा है खात उचितरा कहा, अर्थात आसमान से भी ऊंचा क्या होता है। दोस्तों उसका उत्तर है पिता, जो पिता होते हैं ना उनकी मतलब कि जो भे आसमान से भी ऊंचे होते हैं। तीसरा बतात शीघ्र तरम किम, वायु से भी तेज चलने वाला कौन होता है। तो दोस्तों वायु से भी तेज चलने वाला कौन होता है दोस्तों, मन होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, मनहा। चौथा है दोस्तों का त्रिनाद बहुतरी, तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा चिंता। अब प्रश्न चौथा देखिए दोस्तों, प्रश्न चौथा है पाठ्य पुस्तकात को अपि एकम श्लोकम लिखत, है ना, आपको यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक को लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम बदनीयम, लोक हितमम करणीयम, लोक हितम मम करणीयम। इस दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इस श्लोक को आपको लिख लेना है, सारे उत्तर दोस्तों आपको लिखते जाना है। प्रश्न पांच दोस्तों निर्धन स्वर्णम उत्तरम लिखत, है ना, यहाँ पर दोस्तों आपको निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। आप प्रश्न दोस्तों उसमें उदाहरणुसारम समास विग्रह वा कुरुत, है ना, यहाँ पर दोस्तों आपको समास विग्रह करना है। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है पंचवटी, तो दोस्तों पंचवटी किसका, पंचवटी का समास विग्रह क्या होता है दोस्तों, पंचनाम बटनाम समाहारा, अर्थात पंचपट्टी का समास विग्रह होगा पांच बट्टों का समूह, पंचनाम पटनाम समाहारा। दूसरा है दोस्तों पीतम अंबरम यश सह, दोस्तों पीतम अंबरम यश सह किसका समास विग्रह होता है, वह समास विग्रह होता है दोस्तों पीताम्बरह का। तो दोस्तों आपको इस खाली स्थान दोस्तों ये सब भरते जाना है, है ना। देखिए दोस्तों तीसरा है नीलोत्पलम, नीलोत्पलम का समास विग्रह क्या होता है, तो दोस्तों नीलोत्पलम का समास विग्रह होता है नीलम उत्पलम। चौथा है दोस्तों हरिहरो किसका समास विग्रह है, तो दोस्तों हरिहरो समास विग्रह है हरिश हरश का, आपको दोस्तों खालिस्तान में ये भरते जाना है। पांचवा देखिए दोस्तों क्या है यथाशक्ति, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होता है, तो दोस्तों यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्तिम अनति क्रम में, है ना, इस प्रकार दोस्तों आपको उत्तर लिखना है। ब प्रश्न दोस्तों अब हम देखते हैं परिशिष्ट आधारेण अधोलिखित अभ्यनाम उदाहरणुसार वाक्यानि रचत, यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे निम्न अभ्यय दिए गए हैं, इन अभ्यय से दोस्तों आपको वाक्य का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों पहला अभ्यय है सवाह, तो दोस्तों सवाह का वाक्य में प्रयोग होगा एहम सवाह एवं विदेशः गमिष्यामि। दूसरा दोस्तों चा, चा का अर्थ क्या होता है दोस्तों और, है ना, तो दोस्तों चा का वाक्य में प्रयोग क्या होगा, रामः चा श्यामः चा माला चा शीला चा क्रीडयन्ति, अर्थात राम और श्याम और माला और शीला खेल रहे हैं। तीसरा है दोस्तों खलु, खलु का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग होगा सहा खलु सत्यमेव वदति, खलु का अर्थ क्या होता है दोस्तों हमेशा, मतलब वे हमेशा सत्य बोलती है, वदति यानी बोलना। चौथा का दोस्तों मुझे अभी मिल नहीं पाया है, मैं आप दोस्तों आप इसे स्वयं ढूंढ लेना। पांचवा है दोस्तों चेत नोचेत, चेत का अर्थ होता है दोस्तों यदि, नोचेत का अर्थ होता है दोस्तों यदि यदि नहीं। तो दोस्तों इसका हम बाद में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा,
पिपासा अस्ति चेत जलम पिबतु नोचित मा पिबतु। इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर लिखते जाना है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न छठवां की तरफ। प्रश्न छठवां में दोस्तों आपको करना है एक निबंध लिखना है। दोस्तों आपको नीचे दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए होंगे, दोस्तों उसमें दोस्तों हम निबंध लिख रहे हैं, दोस्तों पुस्तकम का निबंध लिख रहा है। आपको पांच पॉइंटों में दोस्तों आपको निबंध लिखना है, आप जिससे कि दोस्तों आपको पांच नंबर मिल जाएंगे। तो देखो दोस्तों हम इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, पुस्तकानि माम अति रोचन्ते, अर्थात पुस्तक मुझे बहुत रोच मतलब कि बहुत प्रिय लगती है। दूसरा, मम समीपे बहुनी पुस्तकानि सन्ति, मेरे समीप बहुत सारी पुस्तक रखी हुई है। तीसरा है, पुस्तकानि अतिव मनोहराणि सन्ति, पुस्तक बहुत ही मनोहर होती है। चौथा, मम समीपे चित्र पुस्तकम अति अस्ति, मेरे समीप एक चित्र पुस्तक है। पांचवा है, रमणीयम चित्रम चित्तम आनंदयति। दोस्तों इस तरह का दोस्तों आपको पांच पॉइंटों को लिखना है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों प्रश्न सातवां का आ प्रश्न है। दोस्तों आपको आ प्रश्न में दोस्तों आपको ठीक है आपको दो पॉइंट दिए गए हैं। दो पॉइंट में से दोस्तों आपको किसी भी एक पॉइंट की चित्र बनाना है और उस पर दोस्तों आपको 10 वाक्य लिखना है। दोस्तों उसमें से दोस्तों एक जो विषय है दोस्तों वह है सरस्वती का। आपको सरस्वती जो माता होती है उनको दोस्तों आपको चित्र बनाना है। तो दोस्तों आप चित्र बनाने के लिए करेंगे दोस्तों आपको गूगल में टाइप कर देना है सरस्वती का चित्र, सरस्वती देवी का चित्र। तो दोस्तों आपके सामने चित्र निकल के आ जाएंगे, उसे दोस्तों आप अपने अच्छी तरह कॉपी में ड्रॉ कर देंगे। अब हम दोस्तों उसके ऊपर से दोस्तों एक 10 वाक्य लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए पहला वाक्य क्या है, सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति, सरस्वती हमारी देवी होती है। दूसरा, इयम ज्ञानस्य देवी अस्ति, यह ज्ञान की देवी होती है। तीसरा, सरस्वत्याः चत्वारः हस्ताः भवन्ति। चौथा है, सरस्वत्याः वाहनम् हंसः अस्ति, सरस्वती का वाहन हंस होता है। पांचवा है, इयम् पद्यासने तिष्ठति, यह पद्य पर बैठती है। छठवा है, इयम् शुक्लानि वस्त्राणि धारयति। सातवा, सरस्वती ज्ञानस अधिष्ठात्री देवी अस्ति। आठवा है, इयम् ज्ञानमयी अस्ति। नौवा है, इयम् ज्ञानं ददाति अज्ञानं च निवारयति, यह ज्ञान को देती है और अज्ञान को निवार अज्ञान का निवारण कर देती है। दसवा, इयम् विवेकं ददाति, यह विवेक प्रदान करती है या फिर देती है। अब दोस्तों हम बाप प्रश्न जो आखिरी प्रश्न दोस्तों हम उसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बाप प्रश्न में क्या दिया है, गणतंत्र दिवसः इति पाठ आधारण प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। गणतंत्र दिवस जो आपका पाठ है उसके आधार पर दोस्तों आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को दोस्तों आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, विद्यालय से सबक अच्छे किम प्रचलित, विद्यालय के सबक अच्छे में किसका अभ्यास चल रहा था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस पूर्वाभ्यासः, है ना, वंदे मातरम जो गीत है उसका अभ्यास चल रहा था। दूसरा है, राष्ट्रगान से रचनाकार राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा है, राष्ट्रीय पर्वणी के है राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, गणतंत्र दिवस, अर्थात गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। चौथा देखिए, चौथा क्या है दोस्तों, दिल्ली नगरे कैसाम पथ चलनम भवति, दिल्ली नगर में कैसा पथ चलता कैसे पथ में लोग चलते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, राजपथ। पांचवा दोस्तों, जेट विमानम विशेषता का, जेट विमान की विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, जेट विमानम उड्यन्ते वन रचित धूमनम च निस्तारयन्ति, जेट विमान उड़ते हैं और रंग के साथ धुआं को छोड़ते हैं। निस्तार यानी दोस्तों होता है छोड़ना। छठवा दोस्तों, राष्ट्रपति भवनम कुत्र अस्ति, राष्ट्रपति का भवन कहाँ है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, राष्ट्रपति का भवन दिल्ली में है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, त्रि सेना नायकम अभिवादनम कहाँ स्वीकृति, तीनों सेना के नायक किसका अभिवादन स्वीकारते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकारते हैं। आठवां दोस्तों, राष्ट्रगीत से रचनाकार का, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचनाकार है। नौवां है दोस्तों, गणतंत्र दिवस कदा आयोजित, गणतंत्र दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, 26 जनवरी। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको
आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिया हूँ कक्षा 8वीं संस्कृत विषय में जो आपका माह फरवरी है उसके परीक्षा का। दोस्तों मैंने आपको सारे उत्तर दे दिया हूँ इसके मतलब दोस्तों आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। यदि दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया दोस्तों आप हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इससे कुछ हेल्प मिली या फिर नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।